इंडिया टेलीस्कोप शॉप, इंडिया बायनोकुलर शॉप से आज एक नए वीडियो के साथ, क्योंकि कुछ मॉडल्स सेलेस्ट्रॉन टेलीस्कोप के बिगनर्स काफ़ी यूज़ करते हैं या ख़रीदते हैं, चाहे ऑनलाइन लें या शॉप से लें। सेलेस्ट्रॉन पावर सीकर 50-60, सेलेस्ट्रॉन पावर सीकर 70 और टेलीस्कोप 70, तो मैंने सोचा इनका एक कंपैरिजन किया जाए और रिव्यू किया जाए कि ये कितने अच्छे हैं या इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ये वाकई एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज़फुल हैं या दूसरी ऑप्शंस ढूंढी जाएं। दो शब्द सेलेस्ट्रॉन कंपनी के बारे में। सेलेस्ट्रॉन की प्रेजेंस इंडिया में काफ़ी टाइम से है और अमेरिकन कंपनी है, लेकिन सारे प्रोडक्ट्स चाइना में बनते हैं। हम सेलेस्ट्रॉन के डीलर हैं और लगभग सारी रेंज, मेजॉरिटी रेंज सेलेस्ट्रॉन की हम रखते हैं या प्रोवाइड कराते हैं, चाहे बायनोक्युलर्स हो, स्पॉटिंग स्कोप्स हो या टेलीस्कोप्स हो। इसके अलावा भी दूसरे ब्रांड्स में हम डील करते हैं। क्योंकि सेलेस्ट्रॉन काफ़ी टाइम से इंडिया में है तो ऑब्वियसली उसके मॉडल्स काफ़ी पॉपुलर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे ब्रांड्स क्वालिटी टेलीस्कोप्स नहीं बनाते या उसके टक्कर के नहीं है या उससे बेटर नहीं है। दूसरे ब्रांड्स भी अच्छे टेलीस्कोप्स चयन आउट करते हैं और आप हमसे उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस स्टार्ट। सेलेस्ट्रॉन पावर सीकर 50 एक बहुत ही बजट में, 5000 से नीचे बजट में आपको मिलता है। ये एक रिफ्लेक्टर है और ये सारे एक्चुअली रिफ्लेक्टर हैं, जितने भी टेलीस्कोप्स, चार हमने आज सिलेक्ट किए हैं रिव्यू के लिए। और 50 mm का इसमें अपर्चर है और 600 mm इसकी लाइट अंदर ट्यूब में ट्रेवल करती है। टेलीस्कोप के साथ कंपनी 3 आईपीसेस देती है और 20 mm, 12 mm और 4 mm, और इसमें एक इरेक्ट इमेज आईपीस भी है और स्टार डायगनल जो है, जो इसका डायगनल है जो ट्यूब के पीछे लगता है, वो सीधी इमेज देता है, तो आप डे टाइम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो डायगनल है वो 1.1 इंच का है। अमूमन जो कॉमन डायगनल्स हैं वो 1.25 इंच के आते हैं, लेकिन स्टार डायगनल जो है वो 0.96 या 1 इंच का है, तो उसका एरिया बहुत कम है। अगर आईपीस इसमें जो फिट होंगे वो भी 1 इंच के ही होंगे, तो एरिया काफ़ी कम है देखने के लिए। जो आईपीस हैं 20 mm और 12 mm वो यूज़फुल आईपीस हैं जो हमने देखा उनसे, लेकिन 4 mm यूजेबल नहीं है, ना के बराबर है, कि उसका ओपनिंग बहुत कम है, बहुत ही कम नैरो फील्ड ऑफ व्यू है उसका। दूसरी बात, इसमें हमने देखी कि जो 20 mm आईपीस है वो 30x पावर देता है, जिससे मून थोड़ा सा पास आता है, और अगर आप सिटी के स्काई से, मेट्रो के स्काई से देखना चाहें तो ओरायन नेब्यूला वगैरह उससे विजिबल है। 12 mm आईपीस जब हमने यूज़ किया तो 50x हमें पावर मिली, जो कि एक अच्छी पावर है, और मून के क्रेटर हल्के हल्के अपेरेंट होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम एस्ट्रोनॉमी कुछ टाइम से कर रहे हैं, अमेचर एस्ट्रोनॉमर है, इस फील्ड में जानते हैं, काफ़ी टाइम से हैं, तो हमने 4 mm आईपीस भी यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन इमेज काफ़ी ब्लरी थी। बेसिकली क्योंकि 50 mm का अपर्चर है इसके अंदर, तो एज़ पर फिजिकल लॉज, जो मैं कई बार वीडियोस में कह चुका हूँ कि 1.8 या 2 टाइम्स अपर्चर का साइज, तो अपर्चर अगर 50 है तो आप मान के चलिए रफली 80 या 90x ये टेलीस्कोप केपेबल है पावर देने के, लेकिन स्काईज उस दिन क्लियर होने चाहिए और न्यू मून होना चाहिए। तो हमने जब 50x पे सैटर्न और जुपिटर देखने की कोशिश की तो वो बहुत ही छोटे साइज के थे। तो इसके अंदर अच्छी बात ये लगी हमें कि एटलीस्ट मून हम देख पाए, हालांकि सैटर्न और जुपिटर बड़ी जल्दी आउट ऑफ फोकस हो गए, निकल गए, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, और क्योंकि आईपीसीस का जो डायमीटर है वो 1 इंच का है, तो उससे फील्ड ऑफ व्यू बहुत नैरो था, आई रिलीफ बहुत कम था, तो
अगर आप इस टेलीस्कोप के बाकी स्पेसिफिकेशंस देखें, बहुत ही हल्का लाइटवेट टेलीस्कोप है, लेकिन नेसेसरली वो एक बढ़िया टेलीस्कोप की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि हमें किसी भी एक टेलीस्कोप में टेलीस्कोप का जो मेन ऑप्टिक्स हैं वो कितने बढ़िया हैं, उसके साथ जो आईपीसीस हैं उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, अमूमन हाइजेंस स्टार्टिंग लेवल के होते हैं, हाइजेंस स्टार्टिंग लेवल के होते हैं, उसके ऊपर केलनर आईपीसीस आते हैं, फिर प्लॉसल आते हैं जो मैंने पुराने वीडियोस में डिस्कस किया। तो ये क्योंकि एक कॉम्प्रोमाइज्ड टेलीस्कोप है, स्टैंड इसमें बहुत शेकी है, अगर आप 50x पावर में देखना चाहते हैं तो स्टैंड काफ़ी शेकी है, हल्की सी विंड के साथ काफ़ी हिलता है। हमारे हिसाब से ये टेलीस्कोप रिकमेंडेड नहीं है इस बजट में, 4600 या 4500 के आसपास, सिर्फ मून के लिए 4600 इन्वेस्टमेंट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप 4000 के आसपास इम्पोर्टेड 60mm के टेलीस्कोप ले सकते हैं जो इससे बेटर है ऑब्जर्वेशन के लिए। टेलीस्कोप्स के साथ जो जो चीज़ें आती हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं, बाकी स्पेसिफिकेशंस भी हैं, और कंपनी क्लेम करती है कि जो लिमिटिंग मैग्नीट्यूड है, मतलब 11 मैग्नीट्यूड तक के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड है इसका मतलब उतनी फेंट या डिम बॉडीज आप देख सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अमूमन एक सिटी से, हमारे जैसे मेट्रो सिटी से, मैं दिल्ली को बिलोंग करता हूँ, तो बहुत ही लिमिटिंग मैग्नीट्यूड 3 या 4 आप मान के चलिए, इससे ज़्यादा क्लैरिटी स्काई में नहीं है दिल्ली में। हाँ, अगर आप हिमाचल या पहाड़ी एरिया या लेह लद्दाख की तरफ जाएं तो शायद 8 या 9 मैग्नीट्यूड लेवल का वो स्काई या 10 मैग्नीट्यूड लेवल का वो स्काई होगा, तो वहाँ ये एप्लीकेबल है। तो कंपनियाँ काफ़ी हाइप करके लिखते हैं। दूसरे मॉडल में चले पावर सीकर 60, ये अमूमन 6000 के आसपास मिलता है, 6000-6200 के आसपास, ये थोड़ा बेटर है 50mm से। लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो करीब 30% बेटर लाइट गैदरिंग है, क्योंकि उससे थोड़ा बड़ा है अपर्चर में। इसमें भी कंपनी पावर सीकर सीरीज में हमने देखा कि 20 और 4mm अक्रॉस कॉमन आईपीसीज है, और कंपनी क्लेम करती है कि 175x पावर जो है वो 4mm से मिलती है, लेकिन वो यूजलेस पावर है, इतना ये कैपेबिलिटी है नहीं। 60mm 100x या 110x तक हमने देखा जा सकता है, इसके आगे इमेज बहुत ही डिम या लाइट है। दूसरा, इसका भी ट्राइपॉड जो है काफ़ी शेकी है, 50 का तो बिल्कुल ही यूजलेस आप कह सकते हैं, लेकिन पावर सीकर 60 का भी काफ़ी शेकी है, बट क्योंकि एक बजट लेवल टेलीस्कोप है तो कॉम्प्रोमाइजेस काफ़ी हैं। एक इसमें अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 1.25 इंच का डायगनल है, जो एक स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड है, फॉलो होता है एस्ट्रोनॉमी में अक्रॉस ब्रांड्स, चाहे सेलेस्ट्रॉन हो, ताकाहाशी, स्टेलर व्यू, ओरायन स्काई वॉचर, मीड, जो भी ब्रांड्स हैं। इसमें कंपनी क्लेम करती है कि हाईएस्ट यूजफुल 142x है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसमें 100 या 110x आप मान के चलें आप मैक्सिमम पावर ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आप एडिशनल आईपीस यूज़ करें, क्योंकि 4mm इसमें यूजफुल नहीं है। हमारे हिसाब से 20mm के साथ आप 6mm आईपीस अगर लें एक अच्छे आई रिलीफ के साथ तो वो यूजफुल रहेगा, तो वो एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी। ट्राइपॉड अगेन थोड़ा फ्लिमजी हमें लगा, टोटल वेट टेलीस्कोप का करीब 3.75 किलो के आसपास है, तो ये एक ओके टाइप का टेलीस्कोप है बिगनर लेवल का, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मून, सैटर्न, जुपिटर इससे देखा जा सकता है, कुछ नेब्यूलास भी देखे जा सकते हैं, और कुछ डबल स्टार्स जैसे माइजर या कैस्टर, ये आप 60x पावर या 50x पावर के आसपास आप ब्रेक कर सकते हैं। डबल स्टार्स को स्प्लिट करने में एक अपना ही अलग मज़ा है। प्लैनेट्स के अलावा डीप स्काई, नेब्यूला, स्टार क्लस्टर्स, ग्लोबल स्टार क्लस्टर्स और गैलेक्सीज देखने का अलग मज़ा है। हम ये फील करते हैं कि 60mm गैलेक्सीज नहीं दिखा पाएगा आपको मेट्रो सिटी से, इसके लिए आपको डार्क स्काई में जाना पड़ेगा। शायद आप एंड्रोमीडा इससे पकड़ सकें, लेकिन इसके अलावा ये डीप स्काई में ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, ज़्यादा यूजफुल नहीं है। पावर सीकर 70 में चलें, ये लेंस
अगेन 60 mm के मुकाबले 30-35% लाइट ज्यादा गैदर करेगा क्योंकि 70 mm अपर्चर है। इसकी कॉस्ट करीब 8500 के आसपास आपको मिलता है ये बाजार में। हमारे पास इसमें पावर सीकर 60, पावर सीकर 70 और ट्रेवल स्कोप तीनों मॉडल मिलते हैं और हम शिप करते हैं इंटायर इंडिया। इसके फीचर्स की अगर बात करें तो 700 mm फोकल लेंथ है और इसमें भी कंपनी अगेन 20 mm और 4 mm आईपीस साथ में देती है। और 20 mm काफ़ी यूज होने वाला आईपीस है क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स आप 20 mm से ही ढूंढेंगे। तो सिटी से, मेट्रोपॉलिटन सिटी से या एक नॉर्मल सिटी से, सबर्ब से, आप मून, सैटर्न, जुपिटर, वीनस और मार्स इससे पकड़ सकते हैं। सैटर्न के रिंग्स आपको दिखाई दे सकते हैं, जुपिटर के बैंड्स आपको नजर आ जाएंगे, कुछ ब्राइट नेबुलाज और स्टार क्लस्टर्स भी नजर आएंगे। एंड्रोमीडा भी आप ले सकते हैं जिस दिन स्काई काफ़ी क्लियर हो और लाइट पोल्यूशन कम हो, तो वो बहुत एक बड़ा फैक्टर है एस्ट्रोनॉमी के लिए। इसमें भी अगर आप एज ए डे टाइम स्पॉटिंग स्कोप यूज़ करना चाहें तो ये इरेक्ट इमेजेस देता है बाकी टेलीस्कोप्स की तरह। पावर सीकर 50 और 60 ये भी इरेक्ट इमेज देता है। तो अगर आप अपने साथ ट्रेवल करते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो मैं ये टेलीस्कोप सारे बड़े लाइट वेट हैं तो आप ज़रूर लेके जाएं। आप दिन में भी यूज़ कर पाएंगे, अगर दूर सीनरीज आपने हिल्स में देखनी है या वाइल्ड लाइफ देखनी है तो आप देख सकते हैं दूर दूर तक, ये इरेक्ट इमेज देते हैं। इसमें अल्टाजीमुथ माउंट है। अल्टाजीमुथ माउंट बेसिकली एक सिंपल माउंट्स होते हैं जिसको शॉर्ट में एजेड स्टैंड कहते हैं इन सारे टेलीस्कोप्स में। बेसिकली आप टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और राइट साइड और लेफ्ट साइड, अप और डाउन आप मूव कर सकते हैं सेलेस्टियल बॉडी को फाइंड करने के लिए। तो ये अल्टाजीमुथ का वही मतलब है। इसमें जो जो चीज़ें साथ में है, ऑप्टिकल ट्यूब, 2 IPCs, 20 और 4 mm, अगेन मैं बोलूँगा 4 mm आईपीस जो है वो इतना बढ़िया आईपीस पावर सीकर सीरीज में नहीं है। इस कंपनी को 6 mm से रिप्लेस करना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी टाइम से बन रहा है और कंपनी ने चेंज नहीं किया आईपीस। हम रिकमेंड करेंगे कि आप 6 mm आईपीस लें और जो बार्लो है वो 3X, जो भी पावर सीकर सीरीज में बार्लो है उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है। सिंगल एलिमेंट बार्लो है, प्लास्टिक में है तो वो फील नहीं है, एक प्रीमियम फील जो एक बार्लो मेटल बॉडी में आती है। आप सेलेस्टॉन ओमनी 2X बार्लो लें तो उससे बेटर इमेज बनेगी। 20 mm आईपीस आपको 10 mm के हिसाब से पावर देगा, तो 700 अगर है तो 700 / 20 35X है, लेकिन अगर 2X बार्लो आप यूज़ करते हैं तो वो 70X पावर देगा। तो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि अभी तक के 3 टेलीस्कोप्स में पावर सीकर 50 प्रेफरेबल नहीं है। अगर आपका बजट करीब 4-4.5 हज़ार का है तो हम आपको बोलेंगे कि आप 60 mm इम्पोर्टेड टेलीस्कोप लें जो विदाउट एनी ब्रांडिंग आते हैं, वो इससे काफ़ी बेटर होंगे पावर सीकर 50 से। या अगर 3 हज़ार का बजट है आपका, 2.5 या 3 हज़ार का, तो एक ठीक ठाक 10x50 बनोकुलर लें आप किसी शॉप से जाके, वो प्रेफरेबल है बजाय ऑनलाइन मंगाएं। ऑनलाइन बहुत कंप्लेंट आती है, बायनोकुलर्स मिसअलाइंड आते हैं, डबल विजन के साथ आते हैं, तो बेटर है आप किसी शॉप में जाके समझ के लें। हमारे से भी ले सकते हैं, हम आपको शिपिंग करते हैं। अब 4th टेलीस्कोप पे चले, ट्रेवल स्कोप 70। ये करीब 8 हज़ार का मिलता है और चूंकि इसका नाम ट्रेवल स्कोप है, ये बेसिकली एक बैकपैक, ब्लैक कलर के बैकपैक में आता है और इसमें भी 2 IPCs हैं, लेकिन कंपनी ने इसमें एक अच्छा आई रिलीफ वाला 10 mm आईपीस दिया है 20 mm के साथ। वो यूजफुल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों आईपीस अच्छे यूज़ होते हैं। 20 mm से आप ऑब्जेक्ट फाइंड कर सकते हैं और 10 mm से आप पावर बढ़ा सकते हैं। मेजर चीज़ इसके अंदर ये है कि जो डायगनल है वो 45 डिग्री स्लांट में है। नॉर्मल 90 डिग्री के टेलीस्कोप, सॉरी 90 डिग्री के डायगनल्स प्रेफरेबल होते हैं हमारी नेक के उसके आराम के लिए, तो 45 डिग्री डे टाइम यूज़ के लिए ज़्यादा यूजफुल है, ना कि नाइट टाइम के लिए। नाइट टाइम स्काई के लिए 90 डिग्री का डायगनल होना ज़रूरी है। दूसरी बात, इसमें जो जो ट्राइपॉड है,
वो हालांकि थ्री सेक्शन है, तीन सेक्शन में खुलता है, लंबा होता है, और लेकिन वो बहुत ही पतला और कमजोर ट्राइपॉड है। और ट्रैवल स्कोप 70 हालांकि बड़ी ट्यूब नहीं है, 400 mm फोकल लेंथ है, तो पावर थोड़ी कम है प्लैनेट्स पे, क्योंकि बाकी टेलीस्कोप 700 mm फोकल लेंथ या 600 के हैं, जो रीजनेबल हैं, प्लैनेटरी स्कोप्स कहे जा सकते हैं। ट्रैवल स्कोप जो है वो प्लैनेट्स पे इतना बढ़िया काम नहीं करता, हालांकि काफी पोर्टेबल है, बैकपैक में आता है, दो अच्छे आईपीस हैं 20 और 10 mm, उनमें कोई खराबी नहीं है। ट्राइपॉड जरूर इसका बहुत ही कमजोर ट्राइपॉड है, पूरा खोलने पे ये बहुत शेक करता है, या तो आप उसको रिप्लेस कीजिए किसी भी फोटो ट्राइपॉड से, बढ़िया ट्राइपॉड से जो 5-6 किलो का वजन लोड कैरिंग कैपेसिटी हो। और दूसरा, डायगोनल इसमें 90 डिग्री का आपको डेफिनेटली चाहिए अगर आपको एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज करना है। अगर अपने डे टाइम के लिए यूज करना है तो एज ए स्पॉटिंग स्कोप तो वो ठीक है 45 डिग्री का, नहीं तो अदरवाइज 90 डिग्री का रिकमेंडेड है यहाँ पे। तो इसमें मून, सैटर्न, जुपिटर या प्लैनेट्स क्या पकड़ में आ सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली 70 mm एक ठीक ठाक अपर्चर है, लेकिन डिटेल इतनी नहीं मिलेगी क्योंकि 10 mm आईपीस जो है 40x पावर दे रहा है हमें। 40x में लगभग इमेज बननी शुरू होती है प्लैनेट्स की, बहुत हल्की हल्की सरफेस डिटेल, मून के क्रेटर बहुत छोटे छोटे इसमें नजर आएंगे, सैटर्न के रिंग जस्ट अपियर होंगे, बहुत ही छोटे होंगे, जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो एज ए प्लैनेटरी टेलीस्कोप कंपेयर टू पावर सीकर ये फेल होता है, हम इसको नहीं रिकमेंड करेंगे अगर आप प्योरली एज ए प्लैनेटरी आप लेना चाह रहे हैं। लेकिन अगर एज ए पोर्टेबल टाइप टेलीस्कोप आप लेना चाह रहे हैं, ज़्यादा लंबी ट्यूब नहीं कैरी करना चाहते और ट्रैवल करते हैं और डार्क स्काईज में आप डीप स्काई देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये पावर सीकर 70 से थोड़ा बेटर है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कम है, फील्ड ऑफ व्यू थोड़े वाइड है, तो हमें वाइड फील्ड ऑफ व्यूज चाहिए। 40-50x पावर, 30x पावर में आपका डीप स्काई, स्टार क्लस्टर्स, नेबुलस अच्छा आपको ठीक से कवर करेगा, 20 mm में काफी वाइड फील्ड ऑफ व्यूज आपको दिखाएगा। और अगर आप पावर इसमें ऐड करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2x पार्लो आप ऐड कीजिए, चाहे सेलेस्टॉन का लीजिए या दूसरे ब्रांड का लीजिए, वो जरूरी है इसके लिए। और अगेन इसका टेलीस्कोप बहुत ही लाइट वेट है, करीब करीब 2-3 किलो के आसपास है, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक है, करीब 2.5-3 किलो के आसपास है ये भी, और काफ़ी लाइट वेट है, और बच्चों के लिए एक अच्छा या एज ए गिफ्ट आइटम ये एक अच्छा टेलीस्कोप है। लेकिन इसमें कमियां हैं, 90 डिग्री डायगनल एक, और दूसरा एक बार्लो इसमें होना बहुत ज़रूरी है। पावर सीकर 70 में हमने देखा 6 mm आईपीएस हमें होना ज़रूरी है, या 6 mm आईपीसी बेटर रहेगा, 2x बार्लो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, हालांकि 3x बार्लो कंपनी ने दिया है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं 20 mm में, तो वो आपको रफली करीब 100x 110x पावर देगा, लेकिन वो 3x बार्लो की क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं लगी हमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पावर सीकर 60 में भी सेम सेट ऑफ आईपीसीज हैं, 20 mm आईपीसी यूजफुल है, एक 6 mm आईपीस आपको यहाँ पे लेना चाहिए, ये हमारी रिकमेंडेशन होगी। नीचे कंक्लूजन में हमने एक बड़ा क्लियर लिखा है, पावर सीकर 50 नॉट रिकमेंडेड, और बाकी में आपको थोड़ी सी एसेसरीज ऐड करनी पड़ेंगी जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब मैं दूसरी और बाकी स्लाइड्स में डिस्कस करूँगा, आपसे शेयर करूँगा कि क्या पिक्चर्स हमें कैसे दिखाई दी जब हमने फोटोज़ लेने की कोशिश की, मून की, सैटर्न या जुपिटर की या ओरायन नेबुला की, तो वो कैसे अपीयर हुए इन डिफरेंट टेलीस्कोप से। ये सेलेस्टॉन पावर सीकर 50, इसके साथ आप देख रहे हैं ये इस तरीके से जब अनबॉक्स करते हैं तो ये इसके पार्ट्स हैं, और ये हमने जुपिटर कैप्चर करने की कोशिश की लगभग 80-90x पावर में, तो वो हमें कुछ ऐसा दिखा, बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, और लेकिन एक बड़ा सा स्टार लगता है। इसमें एक चीज़ हम ये कहेंगे कि जो हम नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से या कैमरा से कैप्चर करते हैं तो वो एक अलग पिक्चर है, लेकिन जो विजुअली व्यूइंग करते हैं वो एक अलग पिक्चर है, वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। अनलेस कि बहुत अच्छा कैमरा और एक स्टेबल माउंट यूज़ किया जाए तो एक स्टेबिलिटी आती है पिक्चर में भी, और ज़्यादा अच्छी कैप्चर होती है, और फिर इमेजिंग सॉफ्टवेयर से वो प्रोसेस हो सकती है। और ये दूसरी फ़ोटो मून की है,
पावर सीकर 50 से, ये फुल मून है तो इसमें क्रेटर इतने अपेरेंट नहीं होते हैं। आगे चलें, सेलेस्टॉन पावर सीकर 60, इसमें आप देख रहे हैं कि मून जो है वो इसमें क्रेटर काफ़ी अपेरेंट हैं, तो ये करीब 50-60x पावर में ये मून इस तरीके से लगता है। और जुपिटर में अगेन हमने 2x बार्लो लगाया तो ये हमें करीब रफली 70-80x पावर में हमें जुपिटर इस तरीके से कैप्चर हुआ है। आगे चलें, सेलेस्टॉन पावर सीकर 70 टेलीस्कोप है और इसमें क्योंकि इसमें हमने कोशिश किया है ओराइन नेब्यूला और सैटर्न और मून ढंग से कैप्चर करने के लिए, इसमें हमने 6mm आईपीस यूज़ किया है मून के लिए और सैटर्न के लिए, तो इमेज काफ़ी प्लैनेट्स की अच्छी ब्राइट और डिटेल के साथ हैं। आप क्रेटर देख सकते हैं मून के एजेस पे, बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो क्रेटर्स हैं, और यहाँ सैटर्न भी काफ़ी अच्छा निकल के आया है। रफली ये करीब 110-120x पावर पे है और आप चाहें तो 2x बार्लो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने 6mm आईपीस यूज़ किया है ये फ़ोटोज़ लेने के लिए। और ये ओरायन नेबुला जो है ये 20mm आईपीस पे ही आया है और इसको कैप्चर करके थोड़ा सा एनहांस किया है इमेज को। ओरायन नेबुला लेफ्ट साइड में है। और आगे चलें, ये ट्रैवल स्कोप में जब हमने कैप्चर करने की कोशिश की, क्योंकि ट्रैवल स्कोप में 400mm फोकल लेंथ जो कि कम है और मैक्सिमम पावर जो मिलती है विदाउट यूजिंग बार्लो तो वो 10mm आईपीस आपको 40x पावर देता है, 400 डिवाइडेड बाय 10। तो जुपिटर और मून हमें इस तरीके से लगे, फुल मून 40x पावर में इस तरीके से आया और जुपिटर इस तरीके से आया आप देख रहे हैं, और नीचे जो मून है जब क्रेसेंट शेप में है या हाफ मून है तो उसके क्रेटर आप देख रहे हैं 40x में हल्के हल्के अपीयर हो रहे हैं लेफ्ट साइड में। और नीचे जो ये सैटर्न है इसमें हमने एक बढ़िया 3x का बार्लो यूज़ किया, क्योंकि इसके साथ बार्लो नहीं आता ट्रेवल स्कोप के साथ, तो हमने 3x बार्लो यूज़ किया तो वो हमारे को एक अच्छी पावर दी रफली 120x पे। तो 120x पे सैटर्न के रिंग्स और काफ़ी अच्छे से आया, और ये ZWO कैमरा हमने यूज़ किया है फोटोग्राफी के लिए, तो ये एक अच्छा ZWO कैमरा है प्लैनेटरी और डीप स्काई इमेजिंग के लिए। तो ये सैटर्न इस तरीके से निकल के आया, लेकिन इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी अगर इस तरीके से सैटर्न की इमेजिंग करनी है, नहीं तो कम से कम आपको 2 या 3x बार्लो रिकमेंडेड है यहाँ पे। और आप जैसे देख रहे हैं ट्रेवल स्कोप को अगर आप नज़र डालें, इसका जो डायगनल है वो स्लांट में 45 डिग्री है, 90 डिग्री नहीं है, तो एक 90 डिग्री डायगनल ज़रूरी है यहाँ पे। और ओमनी 2x बार्लो आप हमसे ले सकते हैं, बाकी एसेसरीज भी हमसे ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगा, इसमें हमने बड़े अनबायस तरीके से एक फेयर कंपैरिजन करने की कोशिश की है। ये मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इसके अलावा भी कुछ टेलीस्कोप्स हम इंपोर्ट करते हैं जो सेलेस्टॉन नहीं केटर कर पाता है या दूसरे ब्रांड्स नहीं केटर कर पाते हैं, क्योंकि हम एस्ट्रोनॉमर हैं तो अमेचर एस्ट्रोनॉमर हैं, हम ट्राई आउट करते हैं नए नए टेलीस्कोप और बाइनोकुलर्स और स्पॉटिंग स्कोप्स, तो हम चाहते हैं कि बेटर से बेटर ये चीज़ें इक्विपमेंट्स बर्ड वॉचर्स या एस्ट्रोनॉमर्स के लिए लेके आएँ। तो दूसरे ब्रांड भी हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि सेलेस्टॉन ऑब्वियसली बात कोई मैन्युफैक्चरर सारी चीज़ें नहीं दे सकता, या तो आपको एसेसरीज लेनी पड़ती हैं उनकी यूटिलाइजेशन के लिए, बेटर करने के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, या आप दूसरे ब्रांड में भी टेलीस्कोप हमसे ले सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। और लास्ट में एक मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टेलीस्कोप्स जो हैं एक शॉप से लें, एक ऐसे डीलर से लें जिनको नॉलेज हो, जो यूज़ करते हों और जो क्लियरली आपको बता पाएँ टेलीस्कोप के प्लस या माइनस, और अगर कुछ एसेसरीज की ज़रूरत है तो आपको रिकमेंड कर पाएँ। अमूमन ऑनलाइन से जो सामान आता है कई बार वो सही भी नहीं निकलता, रिटर्न आइटम्स भी आती हैं, इसी वजह से कई बार हमने देखा है प्राइसेस उनके काफ़ी लो रहते हैं क्योंकि वो रिटर्न आइटम्स भी आते हैं, लेकिन कई अच्छे डील्स भी आते हैं। तो लेकिन आप किसी से राय मशवरा करके, किसी एस्ट्रोनॉमर से या ऐसे डीलर से, जानकार से जो जानते हो
टेलीस्कोप बाइनोकुलर्स के बारे में, और अगर आप जाके अपने सामने लें और समझ के लें तो वो एक ज़्यादा अच्छा यूज़फुल डिसीजन होगा, क्योंकि बहुत ही बजट में या सस्ते के चक्कर में अगर हम जाते हैं तो वो इक्विपमेंट्स भी उसी हिसाब से हमारे सामने आते हैं, और उससे ये एक बहुत ही बढ़िया उम्दा हॉबी जो है वो थ्राइव नहीं करती, वो वहीं ख़त्म हो जाती है। तो बेटर है अगर टेलीस्कोप का बजट नहीं है तो एक 10x50 बाइनोकुलर लिया जाए। बाइनोकुलर के भी हमने टिप्स शेयर किए हुए हैं वीडियोस में, तो वो भी उससे भी कॉन्स्टेलेशंस, नेबुलास, ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर्स, वेरिएबल स्टार्स जो डिफरेंट ब्राइटनेस दिखाते हैं, कलर बदलते हैं, बहुत सी चीज़ें आप बाइनोकुलर से भी कर सकते हैं, कॉन्स्टेलेशन स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस हैं। एस्ट्रोनॉमी एक बहुत ही वास्ट और मेजर फील्ड है, बहुत चीज़ें हैं यहाँ देखने की, गैलेक्सीज हैं, नेब्यूलाज हैं जो बाइनोकुलर से डिस्कवर हो सकती हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कुछ और नए वीडियोज़ अगर आप चाहें हमसे देखना चाहते हैं, रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, हमें ज़रूर लिखें। हमारा वेबसाइट indiabinoclershop.com और फ़ोन नंबर लिखा हुआ है स्लाइड पे 9899-2122, और उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियोस यूज़फुल हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और आपके उपयोगी साबित होते हैं, एक नए वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। थैंक यू एंड क्लियर स्काइज़।